ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जम्मू के सुंजवान में सैनिक कैंप पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की अंतिम यात्रा में उमड़ा भारी जनसमूह। जवानों की शहादत के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों में दिखा रोष, लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। ओवैसी के विवादित बयान पर सेना ने दिया करारा जवाब, कहा शहीद का कोई धर्म नहीं होता, शहादत को सांप्रदायिकता का रंग ना दो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 साल पूरे होने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा हमने अपने वादे पूरे किए, दिल्ली की सरकार पर लोगों को विश्वास है। दिल्ली के स्वरूप नगर में 7 साल के आशीष को किडनैप करने के बाद हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही आई सामने, 38 दिन में पुलिस ने 50 घरों के लिए तलाशी पर नहीं गया आरोपी के घर। 37 दिन से अटैची में बंद बच्चे का गला हुआ शव हुआ बरामद, बच्चा 7 जनवरी की शाम से था गायब, पड़ोस के मुंह बोले चाचा के घर से मिला बच्चे का शव। जेल में बंद लालू प्रसाद करेंगे राजद उम्मीदवारों का चयन, अररिया लोकसभा के 7 जहानाबाद के प्रत्याशियों के चयन के लिए संसदीय बोर्ड ने दिया लालू को अधिकार। चारा घोटाला के 2 मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सीबीआई कोर्ट में पेशी, सीबीआई के 2 अलग अलग विशेष कोर्ट में होगी पेशी। वैलेंटाइन डे के लिए बजरंग दल की चेतावनी, कहा इस दिन सड़क पर दिखने वाले जोड़ों की करवा दी जाएगी शादी, वहीं अहमदाबाद में लव जिहाद के पोस्टर लगाकर लड़कियों को दी हिदायत। इलाहाबाद में रेस्टोरेंट के बाहर लॉ स्टूडेंट की पीट पीट कर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने लिया गिरफ्त में। झारखंड के कोडरमा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शंकर यादव की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH 31 पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा अब समय आ रहा है कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भरने वाला है। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा को कतर ओपन टूर्नामेंट के पहले दौर में मोनिका निकुलेस्कू ने दी मात। पंजाब नेशनल बैंक में बड़ी धोखाधड़ी का मामला आया सामने, खरबों रुपए के फर्जी लेन देन का हुआ खुलासा, खुलासे के बाद PNB के शेयरों की कीमत में दिखी गिरावट। सुर्खियां बटोरने वाली प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ FIR दर्ज, हैदराबाद में धर्म विशेष के लोगों ने प्रिया प्रकाश के वायरल गाने पर जताई आपत्ति, कहा इस गाने के बोल से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है।